हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइको ट्यूबर, जिसमें हम प्रेपरेशंस करते हैं नेट एग्ज़ाम साइकोलॉजी के लिए। तो उसी से रिलेटेड आज जो हम न्यू टॉपिक कवर करने वाले हैं, डैट इज़ इंटरनल योगा। तो आपको जैसे पता है कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन एमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। हम ईस्टर्न सिस्टम पर फोकस कर रहे हैं आजकल, तो उसी से रिलेटेड काफ़ी लेसन्स जो हैं मैं कवर करवा चुकी हूँ, एज़ यू कैन से बुद्धिज़्म, सूफिज़म और भगवत गीता। तो ये सभी टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं। रिसेंटली मैंने अपलोड की थी वीडियो ऑन एकेडमिक साइकोलॉजी इन इंडिया। तो ये सब लेसन्स अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो यहाँ आई बटन पर मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ पर जाकर आप उन लेसन्स को देख सकते हैं। और उनके PDF लिंक्स जो हैं, वर्ड फाइल लिंक्स जो हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। ओके, आप वहाँ पर जाकर जस्ट उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर वो फाइल अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं या प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो आज हम जो फोकस करने वाले हैं टॉपिक, डैट इज़ इंटरनल योगा। तो अगर आप सिंपल वर्ड्स में जानना चाहें कि इंटरनल योगा क्या होता है, ओके, तो जैसे कि आपको पता है कि ट्रुथ वन है, हमें हम सबको बताया गया है बचपन से कि सच्चाई एक होती है, ओके, एंड उस तक पहुंचने के पास जो है डिफरेंट हो सकते हैं। ओके, कोई किसी मेडिटेशन का सहारा ले सकता है, कोई तंत्र मंत्र का सहारा लेता है, कोई सोचता है कि अच्छे कर्म करूँगा तो मुझे सच की प्राप्ति हो जाएगी। ओके, तो डिफरेंट वेज हैं पर्सन का ट्रुथ को समझने का या ट्रुथ को जानने का। तो उनमें से ही एक जो वे है, डैट इज़ इंटरनल योगा, कि आप इंटरनली उस चीज़ को कैसे पा सकते हो। डिफरेंट टेक्निक्स हैं उनकी, जैसे कि मेडिटेशन, योगा, आसन, तो ये सब टेक्निक्स को यूज़ करके वो ट्रुथ तक पहुँचना चाहते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल टर्म्स, ठीक है। इन सिंपल टर्म्स में अगर आप समझना चाहते हो तो यही इसका मीनिंग है इंटरनल योगा का, कि ट्रुथ को तक पहुंचने के डिफरेंट वेज हो सकते हैं, बट उनमें से अगर आप एक वे यूज़ कर लो तो आप ट्रुथ तक पहुंच सकते हो। तो वैसे ही अगर हम एक वे यूज़ कर ले, डैट इज़ इंटरनल योगा, तो हम ट्रुथ तक पहुंच सकते हैं। ओके गाइस, तो इंटरनल योगा के बारे में जो सबसे पहले बात की थी श्री अरबिंदो ने, उन्होंने इसे सुप्रामेंटल योगा बोला था। उसकी फिलोसफी पे वर्क किया था उन्होंने एंड उनकी प्रैक्टिसेस पे वर्क किया था। तो सबसे पहले कि इंटरनल योगा का मेन मोटिव क्या है या इसका मीनिंग क्या है। तो अगर हम बात करें कि इंटरनल योगा क्या है, तो ये आपकी बॉडी, माइंड, आपकी स्पिरिट, इन सब को क्या है, एक हार्मनी में लेकर आएगा, एक स्थिरता पर लेकर आएगा, जिससे क्या होगा, आपकी फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगी, ठीक है। अगर आप जानना चाहो कि अगर आपकी बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, डैट इज़ आपकी आत्मा, तीनों चीज़ें अगर आपकी फिजिकल प्रैक्टिसेस से या डिफरेंट अप्रोचेस को यूज़ करके आपकी वो स्थिर हो जाती है, एक हार्मनी में आ जाती है, आपको अपनी सेल्फ की नॉलेज हो जाती है, तो इससे क्या होगा, आपकी फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगी। आपको इतनी नॉलेज होगी कि आप अपने आप को भी समझ पाओ और दूसरों को भी समझा पाओ। तो यही है इंटरनल योगा का मेन एम। ओके, तो इस तक पहुँचने के लिए क्या यूज़ करते हैं, वो कोई योग आसन्स हो सकते हैं, पोस्चर्स हो सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हो सकती हैं, जैसे कि मेडिटेशन हो सकता है, इसके साथ ही कोई फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं ऐसी जो आपके अंदर इंटरनल जॉय लेकर आएंगी, पीस लेकर आएंगी। और एक पर्सन है जिन्होंने इंटरनल योगा पर काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है, डैट इज़ स्वामी सच्चिदानंदा। उनका आप वर्क पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। उन्होंने इंटरनल योगा पर काफ़ी वर्क किया है। ही वॉज बोर्न इन 1916, तो उसी से रिलेटेड उन्होंने काफ़ी अपनी टेक्निक्स, आसन्स एंड प्राणायाम टेक्निक्स के बारे में बात की है, जो कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, उनको यूज़ कर कर कैसे आप इंटरनली अच्छे बन सकते हो। तो ये सब उन्होंने अपनी बुक्स में एंड डिफरेंट टेक्निक्स में, आर्टिकल्स में एक्सप्लेन किया है। इसके साथ ही इंटरनल योगा, जैसे कि हमने पहले भी बात की है, कोई रिलीजन नहीं है, जस्ट इज़ अ टेक्निक, टीचिंग्स हैं इसमें जो कि आप यूज़ कर सकते हो। इट इज़ बेस्ड ऑन द पर्सन कि उन्होंने कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, चाहे आप आसन कर सकते हो, ठीक है, मेडिटेशन कर सकते हो, या फिर आप कोई भी ऐसी टेक्निक यूज़ कर सकते हो जिससे आपके इंटरनली आप और पीस की तरफ जाओ, आप जॉयफुल हो और ज़्यादा। तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप एक टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो एंड डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स भी यूज़ कर सकते हो। तो इसलिए जो गोल है हमारा, वो मेनली है हमारी स्पिरिचुअल यूनिटी, एक हार्मनी क्रिएट करना। इसके साथ ही अगर आप इंटरनल योगा को यूज़ करते हो तो आपकी एक तो
ऑप्टिमल हेल्थ एंड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी बॉडी की, आपके सेंसेस पर आपका कंट्रोल होगा, इसके साथ ही आपका जो विज़न है वो मोर क्लियर एंड काम होगा, इसके साथ ही इंटेलेक्ट आपका और ज़्यादा शार्प हो जाएगा, आप डिसीजन मेकिंग आपकी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, ओके। एंड जो भी आप काम करोगे लाइफ में वो अनकंडीशनल लव के साथ करोगे, आपके अंदर कोई भी ईगो नहीं रहेगा, प्योर लाइफ हो जाएगी आपकी, एंड इसके साथ ही आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पीस एंड जॉय इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये जो मेन गोल्स हैं इंटरनल योगा के, हर एक पर्सन जो चाहता है कि मेरी लाइफ ऐसी हो वो थ्रू इंटरनल योगा वो पा सकता है। एंड इसमें थ्री टाइप्स ऑफ बींग्स को एक्सप्लेन किया गया है श्री अरबिंदो ने। सबसे पहले है आउटर बींग, ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरनल या इनर बींग, एंड द लास्ट इज साइकिक बींग। तो फर्स्ट जो है हमारी आउटर बींग, जिसमें हमारा फिजिकल एंड वाइटल मेंटल लेवल्स ऑफ बींग आ जाएंगे, जिससे कि बोल सकते हैं हम अपनी हमारी एवरीडे कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस हो गए जो कि हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। तो अगर उससे हम अगर इनर लेवल पर जाएं तो हम थोड़ी सी और फिजिकल एस्पेक्ट्स तो होंगे, बट ये थोड़े से उससे इंटरनली थोड़े अंदर की तरफ के होंगे, जैसे कि आप बोल सकते हो आपकी इनर मोस्ट से थोड़े से आगे। तो जो इंटरनल बींग है या इनर बींग है, आपको इसकी नॉलेज तो होती है बट बिल्कुल भी ये अनकॉन्शियस भी नहीं होते, ठीक है। जिसे सब निमल परसेप्शन की आप बात करते हो, उसमें भी ये होता है कि आपको उन एस्पेक्ट्स की नॉलेज तो होती है कि वो आपके साथ हो रहे हैं, बट आपको अच्छे से याद नहीं रहता कि वो कैसे हो रहे हैं। दैट मीन्स आप कॉन्शियसली अवेयर तो हो बट इतने ज़्यादा भी अवेयर नहीं हो कि आप उसको अच्छे से रिकॉल कर पाओ। तो ये जो इनर बींग है, ये आपके आउटर एंड साइकिक बींग में एक सरफेस है जो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो लास्ट जो है हमारा साइकिक बींग, वो आपकी इवॉल्विंग सॉल्व है, ठीक है, और डिवाइन स्पिरिट जो आप चाहते हो उसका गोल जो आप प्रिंसिपल है वो है, इसलिए इसे इनर मोस्ट बींग बोला जाता है। और ये आपकी लाइफ को और ज़्यादा अनकॉन्शियस लेवल पर जो जो आपके माइंड में चल रहा है उसकी आप वो अच्छे से ज्ञान हो जाए उसके लिए रिलेटेड है। तो इंटरनल योगा का जो मेन डिस्कवरी करना चाहता है या जो उसका मेन गोल है वो आपकी डिस्कवरी है ऑफ द साइकिक बींग, ओके। तो इंटरनल योगा जो मेनली आपको फोकस कर रहा है कि वो आपकी साइकिक बींग की आपको नॉलेज दिलाना चाहता है। तो इन दोनों को जो आउटर एंड साइकिक बींग की तरफ जो है, इन दोनों के आपस को रिलेशन को कैसे बोला जाता है, साइकिक साइजेशन, ओके। तो ये टर्म आप मार्क कर लीजिए, जो एग्जाम में आ सकती है ये टर्म। तो आपकी आउटर से साइकिक तरफ जो है होल एक्सपीरियंस इन दोनों के बीच का, डैट इज साइकिक साइजेशन। इसके साथ ही आपकी सुपरामेंटलाइजेशन, डैट मीन्स आपके सुपर माइंड की तरफ जा रही है, जो कि आपने अभी पढ़ा साइकिक साइजेशन, उससे नेक्स्ट है सुपरामेंटलाइजेशन। डैट मीन्स आप इंटरनल योगा के थ्रू अपनी फाइनल स्टेज पे पहुंच सकते हो, जो कि ये स्टेज है। इसमें आपको न्यू एक्सपीरियंसेस होंगे, आपका ट्रुथ और ज़्यादा क्लियर होगा और आपको और ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। जैसे कि कई हाई लेवल पर पर्संस होते हैं जिनको अच्छे से नॉलेज हो जाती है ध्यान कर करके, तो उसे हम बोल सकते हैं सुपरामेंटलाइजेशन उनको हो चुकी है, उनका सुपर माइंड जो है या सुपर मेंटल कॉन्शियसनेस उनको प्राप्त हो चुकी है। और उसके साथ ही श्री अरबिंदो ने 7 क्वाड्रेंट्स के बारे में बात की थी कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप थ्रू इंटरनल योगा प्राप्त कर सकते हो। तो फर्स्ट इज शांति, डैट इज़ पीस एंड काम। इसके साथ है शक्ति, कि आपको शक्ति मिलेगी, फेथ होगा आपका अपने अंदर एनर्जी एंड एफर्ट्स करने के लिए। नेक्स्ट इज विजनाना, डैट इज़ नॉलेज, जो हमने पहले भी बुद्धिज्म में भी पढ़ा था, विजनाना डैट इज़ योर नॉलेज एंड इंटेलेक्ट। इसके साथ ही शरीर, डैट मीन्स आपकी बॉडी और हेल्दी होगी और आपकी फिजिकल पावर और ज़्यादा इंक्रीज होगी। नेक्स्ट इज़ कर्म, डैट मीन्स कि आपके कर्म कैसे हैं, आप कैसा एक्शन कर रहे हो। नेक्स्ट इज़ ब्रह्मा, डैट इज़ योर ब्राह्मण या यू कह सकते हैं कि गॉड की रियलाइजेशन होगी आपकी। एंड द लास्ट इज़ सिद्धि, तो डैट मीन्स आपको और ज़्यादा रियलाइजेशन होगी, प्योरिफिकेशन होगी आपकी, एंड इसके साथ ही इन्जॉयमेंट एंड योगिक पावर आपको और ज़्यादा मिल जाएंगी। इसके साथ ही आपको जो मेनली इम्पोर्टेंट जानना चाहिए, डैट इज़ 6 ब्रांचेज ऑफ इंटरनल योग। तो हमने सबसे पहले बात की इंटरनल योग क्या है, ठीक है, इसके साथ ही इसकी 3 टाइप्स ऑफ बींग की बात की, उसके बाद हमने 7 क्वाड्रेंट्स की बात की कि आप योगा करके किन चीज़ों को पा सकते हो, ओके, जिसमें हमने शांति, कर्म, नॉलेज इन सब की बात की है। एंड द लास्ट इज 6 ब्रांचेज ऑफ इंटरनल योगा,
की 6 ब्रांचेस ऑफ इंटरनल योगा क्या हैं, जो आप इनमें से कोई भी एक टेक्निक यूज़ कर सकते हो कि आपको अपनी सेल्फ की नॉलेज हो और आपकी बॉडी जो है एक हारमोनी में आ जाए, जिससे कि आपकी इंटेलेक्चुअल पावर और ज़्यादा इंक्रीज हो और आपकी बॉडी और ज़्यादा हेल्दी फील करे। तो स्वामी सच्चिदानंदा ने इनके बारे में अपनी बुक में भी लिखा है और इंटरनेट पे भी इस पे काफ़ी रिसर्चेस की गई हैं, तो आप पढ़ सकते हो वहाँ पर भी जाके। तो इनकी 6 ब्रांचेज ऑफ इंटरनल योगा क्या हैं आगे देख लेते हैं। सबसे पहले है हाथ योगा, डैट मीन्स आपने फिजिकल प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, जिसमें बोल सकते हैं आपके आसन कर सकते हो आप, प्राणायाम जिसमें कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं एंड डीप रिलैक्सेशन होती है। आप वेजिटेरियन डाइट लेते हो जिसमें कोई अल्कोहलिज्म नहीं होता, तो आप इसके साथ ही आप फिजिकल कंटेंट जो है डिफरेंट पार्ट से वो आप थोड़े से हटा देते हो। इसके साथ ही आप काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर मेडिटेशंस करते हो ताकि आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं और ज़्यादा इंक्रीज हो पाए। एंड द नेक्स्ट इज़ राजयोग, जो हमने पहले भी बात की थी योगा टाइप्स ऑफ योगा में। तो क्या है राजयोग में, क्या होगा, आप मेडिटेशन करते हो हाई लेवल पर एंड सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो करते हो। इसमें आप कोई आसन नहीं कर रहे, जस्ट आप मेडिटेशन करते जा रहे हो और अपने सेल्फ को डिसिप्लिन कर रहे हो कि मैंने ये काम करना है। तो इसलिए बोला जाता है कि राजयोग एक गोल्डन की है आपकी हेल्थ हैप्पीनेस एंड पी को ओपन करने के लिए। एंड द नेक्स्ट इज़ भक्ति योग, डैट मीन्स आप डिवोशन के साथ काम कर रहे हो, लव एंड डिवोशन दिखा रहे हो टुवार्ड्स द गॉड, जैसे कि आप प्रेयर्स करते हो, पूजा करते हो, चैंटिंग करते हो, डैट मीन्स आप किसी मंत्र की साधना करते हो, तो वो है आपका भक्ति योग। एंड द नेक्स्ट इज़ कर्म योग, डैट मीन्स सेल्फलेस सर्विसेज, जैसे कई लोग होते हैं कि गुरुद्वारों में जाकर मंदिर में जाकर सेवा करते हैं, ठीक है, तो उनको क्या हो रहा है, ये एक कर्म योग है। डैट मीन्स कि वो काम जो कर रहे हैं वो आप उनका सेल्फलेस सर्विसेज होनी चाहिए सबसे पहले। ये ना हो कि वो सोच रहे हैं कि ये काम कर रहा हूँ तो मुझे कुछ मिलेगा, एक सेल्फलेस सर्विस है उनका, कर्म है ये। तो ये क्या है, उनको इंटरनली एक हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है, उनकी लाइफ में हारमोनी लेकर आता है, स्ट्रेस लेवल्स को डिक्रीज करता है कर्म योग भी। ओके, एंड देन नेक्स्ट इज जनन योग, जिसमें हमारा मेनली फोकस होता है नॉलेज को गेन करना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज गेन करना और एनालिसिस करना, तो अपनी डिफरेंट कल्टिवेशंस की नॉलेज करना, ग्रेटर अवेयरनेस लेकर आना, सेल्फ इंक्वायरी करना। तो इसमें क्या होगा, हु आई एम, ये मेन प्रैक्टिस की जाती है, अपने आप को जानने की कोशिश की जाती है और देन डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जानने की कोशिश की जाती है। एंड द लास्ट इज जप योग, डैट मीन्स मंत्र रेपिटेशन। तो आप एक मंत्र को लेकर उसको बार बार रेपिटेशन करते हो, जैसे कि ओम, ठीक है, ओम की साधना करते हैं कई, तो ओम की साधना क्या है, डैट मीन्स वो उसी वर्ड को बार बार रेपिटेटिव वे से बोलते हैं, ध्यान करते हैं। और मेडिटेशन की एक टेक्निक है कि आप किसी मंत्र को रेपिटेटिव वे से बोलते हो, तो इससे क्या है, आपकी थोड़े स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं, आपकी माइंड रिफ्रेश होता है, इसके साथ ही आपको सेल्फ अपनी मिलती है, इसके साथ आपकी नॉलेज इंक्रीज होती है। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, इनमें से पर्सन जो भी चाहे वो यूज़ कर सकता है टेक्निक। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ योग जो हमने बात की हैं, उनमें से कोई भी पर्सन अपनी नीड के अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकता है। तो वो इंटरनल योग मेनली इन सब चीज़ों पर बेस्ड है। तो आज हमने बात की कि इंटरनल योग क्या है, ओके, देन हमने देखा कि इसमें कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, ओके, 8 टाइप्स ऑफ टेक्निक्स योगासना के बारे में बात की हमने, इसके साथ ही 3 टाइप्स ऑफ बीइंग की बात की हमने, ओके। तो इस तरीके से आप इसको कैटेगराइज कर सकती हो कि हमने इंटरनल योगा में कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है, तो आप उनको भूलोगे नहीं और रिवीजन आपकी आसानी से हो जाएगी। तो गाइज, इस तरीके से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था इंटरनल योगा का, वो आज कम्प्लीट हो रहा है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो नेक्स्ट लेसन में जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक हैं हम वो कवर करेंगे। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि इसके ना ही कोई नोट्स अवेलेबल है, ना ही कोई बुक अवेलेबल है अभी तक मार्केट में जो मैं आपको बता पाऊँ। तो सभी फ्रेंड्स को आपको शेयर करना चाहिए एज अ गुड स्टूडेंट, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक कर दीजिए। और जो भी आपकी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का जो वर्ड फाइल है इसका मैं लिंक डाल दूंगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।